होती है जी, और ये इसका डॉट है इधर, ठीक है। इसके कितने व्यू हैं, एक इधर निकलती, एक इधर निकलती, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, छः हो गए, छः हो गए, ठीक है जी सर, छः टांगे हैं। अब ये आईसी है, बेसिकली इसका एक नाम है, ड्यू लेन लाइन पैकेज की तरह की दिखती है, मतलब एक साइड पे इधर और एक साइड पे इधर। अब अगर इस तरह की ऐसी की आपने काउंटिंग कर दी हो, आईसी की बॉल्स अगर डाउनवर्ड होती है तो सामने आपके आईसी की रोजन है और उसकी बॉल्स नीचे, और आपने डोर टॉप लेफ्ट में एडजस्ट किया हुआ है, आपकी ये वाली पिन जो है एक बनती है, ये दो बनती है, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, एंटी क्लॉक वाइज यूँ, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज इस तरह। मैं घूमूंगा तो आपको क्लॉक लगेगा, फ्लैट सरफेस है। अब फ्लैट सरफेस आपने यूं देखनी है कि टॉप लेफ्ट इसका डॉट होगा ना, और आप यूं रखेंगे तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होगी। उस तरह के ऐसी जिनकी जो है वो टांगे बाहर वाली साइड पे आपको नजर आ रही होगी, जैसे कि ये है लाइटर सिंफनी की। अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट है काम करने की। अब वो देखो, वो कह रहे हैं जी कि आपको, आपने सबसे पहले देखना वोल्टेज इनपुट कहाँ से हो रहे हैं इसके। इसको देखो, ये बी सिस्टम सप्लाई, बी सिस्टम और वी बैट एक ही सप्लाई होती है, ठीक है, बी सिस्टम और वी बैट। इससे आपको एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटर ये मिल रहा है इधर, ठीक है, और ये आपकी हो रही है इनपुट छः नंबर पे। ये अगर यहाँ पे हम देखें तो इधर उन्होंने एक फिल्टर कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और ये आपकी वी बैट की सप्लाई इन होके आगे, ये देखो PL202, ये कॉइल लगी हुई है, क्या लगा कॉइल, कॉइल ये इस तरह आके आपकी यूं कॉइल में आई और ये आगे निकल गई, ठीक है। और वापस देखो कॉइल का दूसरा कांटेक्ट आपके, आपका चार नंबर पिन में आ रहा है, ये वाली जो कि स्विचिंग है, ये आपका इन हो गया, ये आपके SW होगी, ये यहाँ से आई नीचे, ठीक है, और इधर अटैच होगी आगे स्विचिंग वोल्टेज के लिए, यानी वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए स्विचिंग। क्या कर रहे हो, एम रजिस्टर। अच्छा, इसके बाद अभी फिल फॉर हम इन पिनों की बात करें, आपको और भी फंक्शन इसमें आगे नजर आएंगे। अब आगे चार नंबर और छह नंबर पिन का यहाँ पे हो गया काम तमाम। जी सर, आगे बात आ गई, अगर एक नंबर पिन की बात करें तो ये आपको क्या कह रही है, एक नंबर FB फीडबैक पिन है और ये इस्तेमाल हो रही है LED कैथोड LCM, LCM यानी LCD मॉड्यूल, और ये आपका है LED के कैथोड लाइन में, यानी LCM मॉड्यूल में जो LEDs लगी हुई है, छः छः का पेयर है उसमें कैथोड की लाइन। कितने नंबर पिन है, एक नंबर LCD कैथोड के लिए इस्तेमाल हो रही है ये, ठीक है। और ये आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने एक दो तीन चार, और ये कॉमन इनको राउंड पे लगाया हुआ ऐसे ही है, और ये कितने ओम के हैं, कितने ओम के हैं, 10 ओम के। और अगर आप इसकी आरटी निकाले तो आप निकाल सकते हैं, ये दो का 5 रहेगा और ये दो का 5, यानी टोटल मिला के आपको हो सकता है कि ये 2.5 ओम की जो है ना वो वैल्यू दे। अगर आप इसको इधर जंपर मारेंगे तब भी आपके LED काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे 10 ओम के रजिस्टर ही लगाने पड़ेंगे, या तो 10 ओम की आरटी निकाल के। अब तरीका कर, आपको आरटी किधर काम आती है याद है, पढ़ाई है मैंने आरटी रेजिस्टेंस और वैल्यू पढ़ाई हुई है ना, आरटी किधर काम आती है, या तो आप 10 के 4 लगाएं, इन सब की वैल्यू को उठा के एक ही लगा दें तब भी आपका काम हो जाएगा। बात समझ आई, किधर आपको आरटी काम आती है। अब ये आपके 10 के 4 लगे हैं, ठीक है, और ये आपकी सीधी लाइन चलेगी LED मॉड्यूल में। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं LCD मॉड्यूल 9, हम कोई भी फर्जी लाइनें डाल देंगे, जरूरी नहीं है कि हमने कोई डाल दें, और जब आपको मजीद डीप नॉलेज मिलेगी तब आपको करना है, ठीक है। और ये आपकी निकल के आ जाती है इस तरह, ये आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे इस तरह अटैच कैथोड के, ठीक है, LCD मॉड्यूल में। इसके बाद फीडबैक का काम कंप्लीट खत्म। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 नंबर पिन के ऊपर, कॉम 3 और 7 आपकी पिन ग्राउंड है इसमें। अब इसमें 7 कौन सी है,
इसके सेवन सेंटर में होती है बड़ी सारी सफेद बिंदु वाली, कहाँ ये देखो नजर आ रहा है बड़ा सारा बॉन्डिंग पैड ग्राउंड वाला, ये इसका सेवन है, यानी ये थ्री और सेवन ये जो पॉइंट आपस में अटैच है ये इधर सीधे ग्राउंड है, ठीक हो गया। इसमें अगली चीज क्या है, कौन कौन से रह गए, दो और पांच, ठीक है। दो में वो उसने क्या किया, जीरो हम का रजिस्टर आर टू टू थ्री जीरो लगा के एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के साथ इसको जीपीआईओ बैकलाइट प्लस के नाम से इसने करके पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसी तरह ड्रा कर रहे थे। अब जीपीआईओ ये कहाँ जा रहे हैं, आपका सीपीयू से आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये बोर्ड में पॉइंट ये जो है लगा ही नजर ना आए। अब ये देखो ये कैप एनसी है, ये जो कैप है ना यहाँ पे एनसी है, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और ये जीरो होम का जो लगा हुआ है इन्होंने यहाँ दिखा रहे, और हो सकता है बाद दफा बोर्ड में आपको ये लगा ना हुआ नहीं भी नजर आता, क्योंकि दूसरी चीज जरिए से कंट्रोल किया, हम फिर भी बोर्ड में फिजिकली देख लेंगे। अगर इन्होंने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब हो सकता है बोर्ड में हो, ठीक है। अब ये जीरो होम का रजिस्टर लगा के इन्होंने बोल दिया जी जीपीआईओ सप्लाई जीपीआईओ, ठीक है, इसको इधर ही छोड़ देते फिर बोर्ड के लिए। उसके बाद आपके पास क्या बच गया पीछे, पांच नंबर, पांच नंबर क्या है, सीएबीसी कैब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दूसरा ये कह रहे हैं, और जीरो हम का रजिस्टर लगा के इन्होंने डिस्प्ले पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब ये आईसी को काम करने के लिए स्विचिंग सप्लाई वो पल्स चाहिए होती है, ये वाली पल्स, और ये पल्स दो चीजें देती है, एक आपको देता है डिस्प्ले और दूसरा आपको देता है ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपकी सीपीयू आईसी। इसको दो जगह से पल्स आ सकती है, कैब पल्स विथ मॉड्यूल या आपको डिस्प्ले पल्स विथ मॉड्यूल, या डिस्प्ले देगी या सीपीयू देगा, दोनों में से एक आपको पल्स जनरेट करके देगा। और जब तक इसको ये पल्स नहीं मिलती है आपकी इस जगह पे आउट नहीं मिलते। अब ये आगे कैसे काम कर रहा है, अब देखो इधर से एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ये है जी शॉर्ट की डायोड, ठीक हो गया। इन्होंने एक नाइन फिल्टर के कॉइल का इस्तेमाल करते हुए इसके आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है, और लाइन फिल्टर कॉइल के बाद इन्होंने आगे दो कैपेसिटी की जगह दी, लेकिन एक लगाया एक नहीं लगाया। अब ये मैक्सिमम देखो 50 वोल्ट और 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर है, और यहाँ से आपकी जो लाइन निकलती है ना ये सीधी आपकी यूं इस पॉइंट के ऊपर आती है नोड के ऊपर एलईडी के, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, यानी ए। अब देखो ये डायोड के एनोड से निकल रही है, अब डायोड की बात करें तो ये कैथोड है, ये एनोड है, अब ये एनोड से निकल रही है, और कैथोड इन्होंने ये एफ पी एल ई डी के करके लिखा हुआ। अब ये जब आपको डायोड समझाऊंगा ना तब आपको एनोड और कैथोड का कंफर्म होगा कि एनोड और कैथोड क्या होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो सिंपल सा लाइट सर्किट है किस तरह काम करता है। अब ये वी सिस्टम सप्लाई इसको यहाँ से इन हो रही है ये वाली, ठीक है, वी सिस्टम सप्लाई, ठीक है, ये वाली वी सिस्टम वी बैट, वी सिस्टम वी बैट, इसमें एक ही चीज़ है, ठीक है, हाँ जी, वी बैट की सप्लाई ही आपकी वी सिस्टम होती है, लेकिन वो डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वी बैट और वी सिस्टम डायरेक्ट बैटरी नहीं होती, किसी के जरिए आपको ये मिल रही होती है, तो उस वजह से इन्होंने वी सिस्टम और वी बैट का अलग नाम दिया। ये आपका छोटा सा लाइट सर्किट है। अब दोबारा बताऊं तो एक नंबर पे आपको फीडबैक मिलता है, यानी आपका एलईडी के, ठीक है, दो नंबर आपके आपको मिलते हैं जीपीआईओ सप्लाई सीपीयू वाली, तीन पे आपको ये जीएनडी है, अगर चार और की बात करें तो ये स्विचिंग सप्लाई है एसडब्ल्यू आई टी सी एच आई एन जी स्विचिंग, ठीक है, और ये छह नंबर इनपुट है, और ये साथ मिलकर स्विचिंग करते हैं आपको बीच में कैप मिलेगा। अब इस कैप का और ये इसका बड़ा रोल है इसको जो है ना वो करने में, बूस्ट करने में। ये पांच नंबर हमारा बच गया, तीन नंबर क्या करते थे, एक मिनट, पांच नंबर आपने बता, आइए पांच नंबर को हमने इधर कहाँ ड्रा किया है, मैंने सिर्फ आपको बताया, ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ नहीं किया, चले ये ने कर लेते हैं, ये
ठीक है, ये पांच नंबर आपका, ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये वही बस PWM CABC पल्स, हां जी PWM CABC, या तो आपको ये डिस्प्ले से आती है या CPU से, या आपको CPU से दो में मिल सकती है आपको, कंडीशन है मतलब डिजाइन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। अगर हम करें तीन और सात की बात होगी GND, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू शो होनी चाहिए डायोड मोड में, बोले तीन और सात नंबर के पिन हमारे ग्राउंड है। अभी हमारी लाइट आईसी आउट नहीं दे रही, हमने लाइट आईसी को उतार के ये देखना है कि इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं चीजें की, जो हमारी डायोड रीडिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो ये हमने इसको उतार के वैल्यू ले ली है, तो तीन और अगर हम एक से स्टार्ट करें, अगर एक पे हम डायोड मोड में रिवर्स बायसिंग में चेक करें तो एक नंबर पिन के में क्या रीडिंग आएगी, जबकि आपके 10 ओम के रेजिस्टर ग्राउंड करके लगे हुए, कोई अंदाजा थोड़ा बहुत आपको तकरीबन 2-3 ओम के लगभग आपको रीडिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है, आपको बीप आएगी 2-3 ओम के साथ। इसके बाद अगर दो नंबर पिन पे आ जाए तो ये आपकी GPIO सप्लाई है, अगर ये अटैच हुई तो हमें 250 से ऊपर और 800 से नीचे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। और तीसरे नंबर की पिन बात करें, तीसरे साथ की आपकी ग्राउंड है GND के साथ, आपको बीप देंगे 0 ओम के साथ, समझ आई बात। इसके बाद अगर चार नंबर की बात करें तो ये स्विचिंग सप्लाई और इन सप्लाई कॉइल के मदद से आपस में जुड़ी हुई है, तो आपको चार नंबर और पांच छह नंबर के ऊपर अगर रखेंगे तो आपको बीप आएगी। ये दोनों एक कॉइल से आपस में सप्लाई अटैच है, पिन नंबर छह और पिन नंबर चार सप्लाई से आपस में अटैच है, सॉरी कॉइल से। तो जब आप चार और छह को आपस में यूं टच करके देखेंगे मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड से या डायोड मोड से, तो ये आपस में आपको सप्लाई शॉर्ट नजर आएगी, ये लाइन दोनों आपस में, क्योंकि ये कॉइल से आपको मिलती हुई नजर आ रही है। नंबर जो नंबर थ्री पर करेंगे तो क्या आएगा, नंबर फोर नंबर सिक्स पर करेंगे तो, नंबर थ्री GND है ना, GND को GND से चेक करेंगे तो क्या होगा, बीप होगा। हाँ जी, तो जरा तवज्जो देना जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ, दूसरी चीज ना सोचें। चार नंबर और छह नंबर पे आपको वोल्टेज भी सेम आएंगे बंद हालत में जी। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मतलब ये आपकी पिनों की चीजें ठीक हैं। अभी आ जाती है पांच नंबर की बात, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की। अगर तो ये डिस्प्ले से आता है आपको OL आएगा, क्या आएगा OL, OL मतलब इन्फिनिटी, कोई रीडिंग नहीं है, लाइन ब्रेक है, ओपन है, ठीक है। और अगर आपको ये CPU से आता है, यहाँ पे आपको वैल्यू आनी चाहिए 250 से लेके 800 के दरमियान कोई भी आ जाएगी, ठीक है, और सर्किट की ओम और लाइन जितनी लंबी उस हिसाब से। तो हमें ये देखना होता है कि ये जितनी लाइनें यहाँ पे काम कर रही हैं और जो ये हमने हमें इसने बताया हुआ है उस हिसाब से वाली लाइनें बाकी आ जाती। अभी हम इन सब की जो है ना रीडिंग लेंगे पिनों की, ठीक है। अब एक नंबर पिन कौन से हो रहे हैं, डायरेक्शन मैंने आपको बताई है सर, ये वाली लेफ्ट साइड से पहला एक नंबर पे, ये ये साइड वाली फर्स्ट वाली टॉप लेफ्ट जी, ध्यान नहीं आता, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट। अभी मैंने रेड टॉप को ग्राउंड कर लिया, इसे ब्लैक से चेक करना इसके ऊपर क्या आ रही है वैल्यू, 0.07 ओम है, ये इनका छोड़ के लाइन है, ठीक आ गई। दो नंबर क्या था हमारा, ये जो सेटेड दो नंबर हम 2400 के दरमियान में है, 6 दो नंबर हमारा था GPIO BL प्लस 0 ओम। अब ये 0 ओम का सिस्टम देखते हैं कहां लगा, नहीं आ रही वैल्यू, ये खराब है या ये NC है, दोनों में से एक काम है, ये लगा हुआ 0 ओम का। अगर हम बोर्ड में देखें यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है, तो इसको फिल फोर के लिए हम इग्नोर करेंगे, GPIO सप्लाई है। और ये तब आपको आती है जब आप पल्स विड्थ मॉड्यूल डिस्प्ले से ले रहे हो, तब आपको ये मस्त आ रही होती है,
अपील फोर पे यहाँ हमेशा इग्नोर करेगी क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बॉलिंग कार्ड के साथ छेड़छाड़ नजर नहीं आ रही, लग यूं रहा है कि यहाँ कंपनी ने लगाया ही नहीं, ठीक है इसको इग्नोर करते हुए हम आगे चलेंगे। आ रहा है कौन सा तीन नंबर ये देखो आपस में जुड़ा भी है, गौर करो आपको नजर आ रही है ठीक है। अभी मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे मल्टीमीटर बीप देगा धीरे धीरे के साथ आई क्योंकि ग्राउंड है। अब इसके बाद बारी आती है चार नंबर पिन की, चार नंबर मैंने क्या बताया चार और छह आपस में जुड़ी है, गौर करें तो ये छह नंबर पिन यहाँ से आते कॉइल में और कॉइल से बाहर आके ये देखो डायोड की कैथोडिया और एनोड वाली एलसीडी को पास हो जाता है आपका एनोड बन के और ये चार नंबर पिन यहाँ पे कैसे लगेगा मीटर ये देखो क्या वैल्यू आई 395 और पांच नंबर आपकी सॉरी पहले छह पे देखते हैं इनपुट सप्लाई सेम आ रही है। अब सर्किट के मुताबिक छह और चार में शॉर्ट होनी चाहिए अगर कॉइल बीच में अटैच है काम कर रही है, इन दोनों को मैं लगा के देखता हूँ ओके। अगर ये मैं कॉइल उतारूंगा तो ये लाइन आपस में इंफिनिटी हो जाएंगे ओवर हो जाएंगे। अब रह गया हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पांच नंबर, इस पे अगर मैं लगाता हूँ मुझे कोई वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा। अभी मुझे इसको देखना पड़ेगा वैल्यू क्यों नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करें ये पांच नंबर की पिन है, इधर जीरो ओम का रजिस्टर है ये वाला, यहाँ तो सी ए बी सी पल्स विड्थ मॉड्यूल ये करके ये डिस्प्ले से लेगा तो हम इसको यहाँ चेक करते हैं ये लगा हुआ R2203 एक रजिस्टर ये और दूसरी लाइन ये क्या कह रहा है दूसरी आपकी कैप पल्स विड्थ मॉड्यूल ये जा रही है ये भी हम देख लेते हैं इधर ठीक है। अब आगे से देखो ये डिस्प्ले कनेक्टर है ना ये अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो LCD CTP इंटरफेस ठीक है LCD और टच पैनल का आपका B2B कनेक्टर इंटरफेस है तो ये दूसरी लाइन यहाँ पे आ रही है तो ये इन्होंने NC डाला हुआ मतलब डाउट छोड़ दें ये NC है तो लगा ही नहीं ठीक है। इधर हमारा मकसद नहीं है देखने का, हम वापस जाते हैं हम दूसरी लाइन को पकड़ते हैं ये वाली। अब ये डिस्प्ले पल्स विड्थ मॉड्यूल कहाँ से आ रही है ये भी देख लेते हैं। अब ये देखो टोटल तीन जगह पे सर्कुलेट हो रहा है यहाँ से आपको अंदाजा होगा कितनी जगह पे जा रहा है और ये आपको लेके जाएगा मकसद। दूसरी देखो आपकी ये आ गया MT6768SBS CPU है ये आपका 6768 आपका CPU प्रोसेसर IC है ठीक है। अब इसमें आपको ये AJ26 नंबर के पिन से आपको GPIO 43 डिस्प्ले पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की एक सप्लाई जा रही है। तीसरी भी हम देख लेते हैं। अब ये इसी जगह पे एक ये और तीसरा जो हमारे पास आ रहा था वो डायरेक्टली यहाँ जा रहा था और ये जीरो हम के रजिस्टर की मदद से लगा हुआ। अब हम इधर आ जाते हैं ठीक है ये वाली पाँच है इसको देखते हैं तो ये लगा रजिस्टर यहाँ से ये सप्लाई यहाँ क्लिक की तो ये सीधी गई सीधा CPU में ठीक है CPU से ये सप्लाई आ रही है सही। अब हम इधर आ जाते हैं वापस ठीक है यहाँ पे हम क्लिक करके हम डायग्राम में मजीद कंफर्मेशन लेते हैं जीरो हम का रजिस्टर एग्जैक्टली कौन सा है ये वाला है ये वाला है ये आपको पार्ट नंबर आप कॉपी करेंगे ना लोकेशन कोड ये लोकेशन कोड है आप यहाँ आके पेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये रजिस्टर यहाँ अब हम देखेंगे बोर्ड में क्या R2203 मौजूद है ठीक है नहीं है मतलब हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूल गायब है। अब हम इसकी ऊपर वाली साइड पे देख लेंगे क्या ये ऊपर वाली साइड पे वैल्यू दे रहा है कितनी आई मतलब CPU से लाइन मेरी ओके है ओके। अब हम इस लाइन की रिस्क आपस में कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं आ रही है भी। अब हमारा यहाँ पे क्या काम हो सकता है सोच के बताओ नेगर क्या करना है जंपर लगाना
टेस्टिंग में सारी चीज़ें ठीक ना रहती तो फिर कंफर्म आएगा, मतलब सारी चीज़ें ठीक रहती थी।